नमस्कार आपुनी चाह से आफ्टरनून एक्सप्रेस मैं जयंत माधव गोस्वामी और आफ्टरनून एक्सप्रेस और यह मुहूर्त आगाम विशेष सम्प्रचार गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन भोट गणना व फलाफल यह मुहूर्त जी फलाफल सम्मुखले मुहूर्त खबर आम गुजरात खबर डांगर खबर यह मुहूर्त जाना गुजरात 12 डिसेम्बर शपथ ग्रहण अनुष्ठान भूपेन्द्र पटेल पुनः हम मुख्यमंत्री सोमवार शपथ ग्रहण कर भूपेन्द्र पटेले पुनर्बार मुख्यमंत्री हिसापे अधिष्ठित हम भूपेन्द्र पटेल उपस्थित थाकिब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शपथ ग्रहण अनुष्ठान उपस्थित थाकिब गृहमंत्री अमित शाह अवधारित भावे अभूतपूर्व सफलतार 156 आसन यह मुहूर्त आम देखाई जी ट्रेंडिंग 156 आसन इतिम्य बहु आसने आनुष्टानिक फलाफल घोषणा कर पूर्वर सको अभिलेख भंग कर सर्वकाल सको अभिलेख भंग कर अभूतपूर्व सफलतार पुनर्बार गुजरात शासन क्षमता हाथ रखम हल बीजेपिये सर्वशक्ति प्रयोग कर निर्वाचन नामी गेरुआ बाहन समग्र गुजरात जेन आज गेरुआ बरण हो सोमवार शपथ ग्रहण अनुष्ठान पुनर्बार मुख्यमंत्री पदत अधिष्ठित हम मुख्यमंत्री गादीत अधिष्ठित हम भूपेन्द्र पटेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शपथ ग्रहण अनुष्ठान उपस्थित थाकिब लगते उपस्थित थाकिब गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात अभिलेख सृष्टि कर ऐतिहासिक विजय सब्यस्त बीजेपिर सर्वकाल सर्वाधिक संख्यक आसन जयी हल बीजेपि जयर पाशते देशजुरी बीजेपि शिविर इतना व्यापक उल्लास पर आन प्रधानमंत्री मोदी अंशग्रहण विजय उत्सव आन गुजरात 12 डिसेम्बर शपथ ग्रहण खबर इतिम्य भूपेन्द्र पटेल हम पुनः मुख्यमंत्री सोमवार शपथ ग्रहण कर भूपेन्द्र पटेले उपस्थित थकिल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सर्वत्रे इतना विजय उत्सव आनंद उत्सव विलीन से बीजेपिर कर्मकर्ता बीजेपिर नेता पाली नेता सकते मुहूर्त आनंद आत्महरा हो उठा पर समग्र देशजुरी विजय उत्सव पालन कर मिठाई वितरण कर विजय उत्सव भाग लैसे नेता सकले मुहूर्त आम आग गुजरात पर आम सतीर्थ सांबादिक रासना उपाध्याय विशेष रिपोर्ट गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी अमित ठाकर का परिवार। आप देख सकते हैं कि यहां पर उनका परिवार है और जिस तरीके से यहां पर जो बीजेपी जश्न मना रही है और जो गुजरात की जनता है वो डबल इंजन की बात कर रही है। तो इस वक्त हम एक डबल इंजन यानी कि डबल डेकर बस के ऊपर खड़े हुए हैं और मैंने आपको बताया कि प्रत्याशी का परिवार हमारे साथ है, सपोर्टर्स हमारे साथ हैं, देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं कि इस डबल डेकर बस में किस तरीके का उत्साह आपको देखने के लिए मिल रहा है। अमित ठाकर जी की पत्नी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप लोगों को लग रहा था कि बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी? हाँ, पहले से पाटिल जी ने डिक्लेयर कर दिया था और वी वर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बिल्कुल, आप कह रहे कि कॉन्फिडेंट था, तो ये क्या फैक्टर काम कर गया जो बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं दूसरी जो पार्टियां हैं वो बेहद पीछे पिछड़ती नजर आ रही है। मोदी जी से के इतने सालों के परिश्रम और उनके डेवलपमेंट के काम, अमित शाह की चाणक्य नीति, पाटिल जी की और सीएम साहब की लीडरशिप की वजह से हम ये अचीव कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी साहब की नीति, अमित शाह जी की चाणक्य नीति, भूपेन्द्र भाई का काम, आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में अपना दिल्ली मॉडल लेकर आई और उनका कहना था कि दिल्ली मॉडल जो है वो गुजरात मॉडल पे कहीं ना कहीं हावी पड़ जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से शोन दैट इट इज ऑल फेल, ओनली द बीजेपी मोदी मॉडल इज ओनली सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आपकी फाइट किसके साथ थी, बीजेपी की, कांग्रेस के साथ? फाइट ही नहीं थी, वी वर लीडिंग बट वी पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स और हम लोगों के लिए बहुत काम करेंगे, हमारी पूरी ताकत लगा के काम करेंगे। बिल्कुल, पूरी ताकत लगा के आप काम करेंगे क्योंकि आप भी महिला हैं, तो क्या ऐसी चीजें आपके पति आपसे जरूर डिस्कस करते होंगे, क्या वो सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की नई योजनाएं लाएंगे, नई एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या कुछ योजना? एक्चुअली मोदी जी और गवर्नमेंट लाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी बहुत सारी योजनाएं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी योजना गुजरात गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दी है, उसको लोगों तक पहुंचाए और मैक्सिमम लेडीज उसका यूज करे वो हम करेंगे।
एक सवाल और है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार जो ब्लेम गेम करती रही, कई तरीके के आरोप भी लगे, तो उनके आरोपों को देखते हुए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहा, पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो ये सभी करना था उनको, और कोई ऑप्शन नहीं था उनका। तो लगातार कहना था कि मोदी जी बार बार इसीलिए गुजरात आ रहे हैं क्योंकि जमीन जो है वो खिसकती नजर आ रही है। नहीं, रिजल्ट हैज प्रूवन दैट वी आर the only government which will BJP is the only government here. तो आप ये डबल डेकर बस लेके रिसीव करने आए हैं? Yes, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल डेकर बस में हम विक्ट्री सर्कस निकालेंगे। तो विक्ट्री सर्कस निकलेगा और किस तरीके से सेलिब्रेशन रहने वाला, बस आखिरी सवाल है। हम जीप और सब हमारे कार्यकर्ता लग गए हमारे साथ, और डबल डेकर बस में हमारा विक्ट्री सर्कस निकलेगा। तो यहाँ पे अमित ठाकर का परिवार, आप देख सकते हैं कि खुशी का उत्साह का माहौल है यहाँ पर, किस तरीके से पूरी जो बस है वो सपोर्टर्स के साथ भरी हुई है। और यहाँ का जो माहौल है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देखेंगे कि बस के अंदर से बाहर का जो माहौल है, जो खुशी का माहौल है, वो आप देख सकते हैं। फूल यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं और एक बहुत सारे फूलों की जो टोकरी है वो भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। पूरी बस को फूलों से सजाया गया है, सेलिब्रेशन की पूरी तैयारियां हैं और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप नजर डालें तो सपोर्टर्स के साथ जो सपोर्टर्स है उनसे ये पूरी जो सड़क है वो भरी नजर आ रही है। काउंटिंग सेंटर ये है, और ये काउंटिंग सेंटर इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुजरात के जो सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, उनके नतीजे भी यहीं से आने हैं और लगातार लोगों में उत्साह का माहौल देखने के लिए मिला। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है और नारेबाजी की जा रही है, जिस तरीके से भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे यहां लगाए जा रहे हैं। और चूंकि अब जिस तरीके से जो बढ़त बनाई हुई है बीजेपी ने, जिस तरीके से नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यही लग रहा है जो बढ़त है उसको देखते हुए कि आने वाले समय में बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती हुई यहां नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। আৰু সেয়া গুজৰাটৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱালে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাজনাই, য'ত পুনৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু পুনৰবাৰ গুজৰাটৰ মচনত দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল শাসকীয় বিজেপিয়ে। অগ্নি পৰীক্ষাত বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিলে মোদী আৰু অমিত শ্বাহে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যদি চোৱা হয় হিমাচল প্ৰদেশ, একেলগে আজি দুয়োখন ৰাজ্যৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। ফলাফল বৰ্তমানে অব্যাহত আছে, গণনা অব্যাহত আছে, কিন্তু যিখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তত হিমাচলৰ পৰা আহিছে তাত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে যেন মুখ থেকেচা খাবলৈ গৈ আছে বিজেপিয়ে। হিমাচলত চৰকাৰ গঠন কুচকাওয়াজ ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে বিরোধী কংগ্রেসে। মুখ্যমন্ত্রী পদৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ কংগ্রেসত এটি আরম্ভ হয়েছে ব্যাপক চর্চা। প্রতিভা সিং হব পাৰে কংগ্রেসৰ মুখ্যমন্ত্রী পদৰ প্ৰাৰ্থী, কংগ্রেস হাইকমান্ডে চূড়ান্ত করব মুখ্যমন্ত্রী পদৰ প্ৰাৰ্থী। এফালে গুজরাটত বিজেপিৰ জয় জয়কার, আনফালে হিমাচল প্রদেশত শোচনীয় অবস্থা। 26খন আসনত এই মুহূর্তত অগ্রগতি হিমাচল প্রদেশত বিজেপিৰ, আর পূর্বর পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখি হিমাচল প্রদেশত কংগ্রেসে এইবার সরকার গঠন করব। কারণ শাসনত থাকা দলে দ্বিতীয়বারের কেতিয়াও হিমাচলত সরকার গঠন করবা নাই, আর সেই পরম্পরা অটুট রাখি এইবার বিজেপিক উফরাই কংগ্রেসে হিমাচল প্রদেশের মসনত দখল করবলে গৈ আছে। প্রতিভা সিং মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী হিসাবে চর্চালে আহিছে। প্রতিভা সিংর নাম কংগ্রেস হাইকমান্ডে চূড়ান্ত করব হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী। আর এই মুহূর্তত ছত্তিশগড়লৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলক, কাৰণ বিজেপিয়ে হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে তাৰে আশংকাত। ৰিজৰ্ট পলিটিক্স, হোটেল পলিটিক্সৰ পুনৰাবৃত্তি এইবাৰ হিমাচল প্ৰদেশত দেখিবলৈ পোৱা হ'ব পাৰে, কাৰণ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। পৰিকল্পনা মতেই ছত্তিশগড়লৈ লৈ যোৱাৰ বাবে যোজা চলোৱা হৈছে কংগ্ৰেছৰ বিজয়ী বিধায়কসকলক, যাতে বিজেপিয়ে ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক। তাৰ বাবে এই পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি ছত্তিশগড়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গুজৰাটত বৃহৎ জয়ৰ বিপৰীতে হিমাচল প্ৰদেশত বিধ্বস্ত হৈছে শাসকীয় বিজেপি। বিজেপিক উপৰাই হিমাচল দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ দল। হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশংকাত বিজয়ী কংগ্ৰেছ বিধায়কক দলে বলে ছত্তিশগড়লৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ। হিমাচলত চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ কংগ্ৰেছত চলিছে এতিয়া চৰ্চা। প্ৰতিভা সিং হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী,
कांग्रेस हाईकमांडे चूड़ान करिब मुख्यमंत्री पदर प्रार्थी कि यह मुहूर्त डांगर खबर जे कांग्रेसर विजयी विधायक छत्तीसगढ़ लगर परिकल्पना हाथ ला हाई भोल्टेज निर्वाचन जुज एक्जिट पोलर तथ्य अनुसरी दुख राज्य जेन एक्जिट पोलर तथ्य सत्य प्रमाणित हल 157 अभूतपूर्व आसने गुजरात पुनर्बार शासन क्षमत बीजेपी जो विजय उत्सव गुजरात पर आरम्भ कर समग्र देशजुरी बीजेपी शिविर विजय उल्लास पर कारण मोदी और अमित शाह जी बृह अग्निपरीक्षा यह बृह अग्निपरीक्षा बृह सफलता लाभ सक्षम कि तार विपरीत छवि हिमाचल प्रदेश शासन बीजेपी कुफराई हिमाचल प्रदेश मसनद दखल कर पथ प्रशस्त गई आज कांग्रेसे आम आदमी पार्टी 5 आसन अग्रगति लाभ कर समग्र देशवास दृष्टि आकर्षण सक्षम गुजरात किंतु हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी खाता खुल सक्षम नहल सर अभी फाइनल राउंड्स जो हैं वो बाकी हैं लेकिन जिस हिसाब से अभी चल रहा है तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे जो साथी कैंडिडेट थे अब हम उनको धारासभ्य के रूप में प्रस्थापित वो हो चुके हैं। दिवेश भाई को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी उनकी बहुत ही अच्छी लीड से जो जीत हुई है। साथ ही साथ मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सी आर पाटिल जी हैं और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर हम जिसे अब वापस देखेंगे ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, सी आर पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं उन्होंने जिस हिसाब से मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया लोगों तक पहुँचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर और पूरे एक महीने की जो लगन जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं हम सभी की जीत हुई है और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी। कांग्रेस भी थी आम आदमी पार्टी थी लेकिन वोटर्स ने आखिरकार क्या निर्णय लिया, क्या मुद्दे के ऊपर बीजेपी को चुना? देखिए गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उनपे अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मोदी का चेहरा भी पूरे डेफिनेटली यस बिकॉज जिस हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला ठीक है 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है वो सीएम से लेकर पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है लोगों जो एक लोक चाहना है सिर्फ गुजरात ही नहीं आप विश्व में देखे जहां जहां भी गुजराती हैं तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। 150 से ऊपर बीजेपी जा रही है पाथ ब्रेकिंग विक्ट्री कहा जाएगी पूरे गुजरात में क्या बीजेपी कांग्रेस खत्म हो गई है? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूंगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहां जहां अभी जो जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप
আর এনেদরে বিজয় উৎসব পালন করা হয়েছে। আর এই নির্বাচন গুজরাট আর হিমাচল প্রদেশের যে বিধানসভা নির্বাচন আজ ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে বা ফলাফল উলাই আছে, এই দুইটা নির্বাচন কিন্তু দুই রাজ্য কিন্তু কংগ্রেস আর বিজেপি দুইটা দলে হর্ষ আর বিষাদর সম্মুখীন হবলীয় হয়েছে। গুজরাটত যদি এফালে বিজেপির হর্ষ, আনফালে হিমাচল প্রদেশের বিজেপির বিষাদ, আর যদি হিমাচল প্রদেশত কংগ্রেসের হর্ষ, গুজরাটত বিষাদ দেখিলে পোৱা হৈছে। অতি শোচনীয় পরাজয় গুজরাটত কংগ্রেসের। হার্দিক পেটেলের মন্তব্য আছে এই মুহূর্তে, হার্দিক পেটেলের মন্তব্য আগবঢ়াম। धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है ये जीत, राज्य के मृदु मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की है ये जीत, धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है ये जीत, राज्य के मृदु मुख्यमंत्री माने भूपेंद्र भाई पटेल की है ये जीत, राज्य के आक्रमक प्रदेश अध्यक्ष माने सीआर पाटिल साहब की है। इस जीत के बाद निश्चित रूप से आने वाले 20 सालों का जो गुजरात तय होने वाला है उस पर काम किया जाएगा और एक बार फिर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो विश्वास दिखाया है, निश्चित रूप से उसी भरोसे और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। प्राथमिकताएं क्या है? 50,000 का अंतर है, मुकाबला कहाँ की बात है? 50,000 का अंतर। विरमगाम की जनता ने ये जीत सिर्फ हार्दिक को नहीं दी, ये जीत विकास को दी है कि आने वाले दिनों में विरमगांव, मांडल, देत्रो, जो नलकांठा का जो इलाका है उसका विकास हो, वहाँ पर अच्छी एजुकेशन हो, अच्छे सिंचाई के पानी की तैयारी गांव के किसानों तक पहुँचे, अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, आर्मी के ट्रेनिंग के लिए अच्छे ग्राउंड्स बने, ये हमारी प्राथमिकता मेरी असेंबली के लिए। और निश्चित रूप से जब 5 साल के बाद आप मेरी असेंबली में कवर करने के लिए आएंगे तो बहुत बेहतर काम आपको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। मैंने पहले भी कहा था जब आप मेरे पास आए थे, तो ये जीत सलामती और सुरक्षा की है, ये जीत विकास के मॉडल की है, वो विकास मॉडल जो गुजरात की जनता चाहती है कि मेरा गुजरात आज हिंदुस्तान में पहले नंबर पे है, यही गुजरात आने वाले दिनों में विश्व में पहले नंबर पे पहुंचेगा। इसी कारण एक बार फिर गुजरात की जनता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी आने वाले 10 सालों का गुजरात कैसा होना चाहिए उस पर काम करे। আসিল হার্দিক পেটেলের মন্তব্য। আর হার্দিক পেটেল কংগ্রেসের পর বিজেপি যোগদান করে বিরামগাম সমষ্টির পর জয় সাব্যস্ত করবলে সক্ষম হয়েছে আর তারপরে প্রতিক্রিয়া আগবাইছে। আমি গুজরাট আর হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনী ফলাফল প্রতি মুহূর্তের আপডেট আপনার জানাই যাম, কিন্তু এই মুহূর্তে আইসো রাজ্যিক পর্যায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লো, আর সেয়া হয়েছে মহানগরীর পাঞ্জাবাড়ির সঞ্চালক রঞ্জিত বরা হত্যাকাণ্ডর তদন্তর খবর। রঞ্জিত বরা হত্যাকাণ্ডর তদন্ত নতুন মোড় লাভ করেছে। রঞ্জিত বরা হত্যাকাণ্ডর অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত আমির আলিয়ে। মই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা নাই, কোনে করেছে তদন্ত করক, এই আহ্বান আমির আলির। মই হত্যা করলে বুর্বকর দরে বাইকত পিস্তল থলোহেতেন নেকি বলে প্রশ্ন আমির আলী। এই আমির আলীক যা 5 নভেম্বর মরিগাঁওরপর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, শহুরেকর ঘর আশ্রয় থাকা অবস্থারপর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রঞ্জিত বরা হত্যাকাণ্ডত নাম হাঙুর খাইছিল আমির আলীর, আর এই আমির আলিয়ে বারে বারে অস্বীকার করেছে হত্যাকাণ্ডর কথা। আরক্ষী জোরদার অভিযান, জোরদার জেরা অব্যাহত আছে। 5 দিনের জিম্মাত লই সিন্টু মেধি আর আমির আলীর জেরা অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী, কিন্তু এই অভিযোগ পঞ্চাতেই নাকচ করে আছে আমির আলিয়ে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা নাই, কোনে করেছে তদন্ত করক, মই হত্যা করলে বুর্বকর দরে বাইকত পিস্তল থলো হেতেন নেকি বলে প্রশ্ন আমির আলীর। যা 21 নভেম্বর সংঘটিত হয়েছিল এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড। পাঞ্জাবাড়ির দিন দুপুরতে দুই অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা করেছিল রঞ্জিত বরাক। পূরবী ডেইরির বিতরক রঞ্জিত বরাই ব্যাংকত জমা ধন হবল আহিছিল, ধন জমা করবলে অহার সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত করেছিল বাইকত অহা দুই দুর্বৃত্তই। পালসার বাইকত আহিছিল দুর্বৃত্ত, হেলমেট পরিধান করে আহিছিল নম্বর প্লেটবিহীন বাইকত অহা দুর্বৃত্তই শূন্য দূরত্বর পর গুলিয়াই হত্যা করেছিল রঞ্জিত বরাক। কিন্তু প্রায় 15 দিন ধরে ক্লুলেজ হয়ে থাকা মহানগর আরক্ষী অবহিকত মরিগাঁওরপর গ্রেপ্তার করেছিল আমির আলীক, আর তারপরে গ্রেপ্তার করেছিল সিন্টু মেধিক। কিন্তু দুই অভিযুক্তই পঞ্চাতেই নাকচ করে আহিছে এই অভিযোগ।
और जार बाबे एक प्रकार विपांगत परिसे महानगर आरक्षी जदिबा महानगर आरक्षी संवाद माध्यम आगत उल्लेख करिसिल एई हत्याकांड क्लू लाभ करिसे किन्तु तार पिसत जेन विपांगत परिसे महानगर आरक्षी ऋतिक कौशिक आछे आमार ज्येष्ठ सांबादिक ऋतिक तदंत प्रक्रिया लो किसु एई मुहूर्त तथ्य जानवरा बारे बारे एक अभियोग नच्छाद करिसे आमिर आलिये दरासलते की महानगर आरक्षी शून्यते इतिया गदा घूराई आछे ने सचाकये आमिर आलि मूल अभियुक्त हय এতিয়াও কিন্তু তথ্য প্রকাশ কৰিব পৰা নাই মহানগৰ আৰক্ষী চাওক আজি দিনৰ ভাগত যেতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল আমিৰ আলী আৰু চিন্তু মেধি সেই সময়ত চিন্তু মেধিয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁ CGM আদালতত আছিল আৰু তাৰ তথ্য তেওঁ আৰক্ষীয়ে যদি চাই তেতিয়াহলে সেই CCTV ভিজুৱেলত ATMত থকা সময়ছোৱাত সেই তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আনহাতে আমিৰ আলিৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও কোৱা হৈছে যে যিদিনাখন ঘটনা হৈছিল সেই ঘটনাৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক ঘৰত আছিল আমিৰ আলিৰ ঘৰত আছিল আমিৰ আলিৰ মটৰচাইকেলখনো ঘৰতে আছিল আৰু যিদিনাখন 3 তাৰিখে আমিৰ আলি আৰু তেওঁৰ পত্নী তেওঁৰ শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গৈছিল মৰিগাঁৱলৈ আৰু 5 তাৰিখে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ঘৰত গৈ অভিযান চলাই আমিৰ আলিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আহিছিল মৰিগাঁও আৰক্ষী সহযোগ আৰু সেইদিনাখনে এটা কথা কৈছে যে মটৰচাইকেলৰ চাবিটো আৰু যি মটৰচাইকেল ক'ত ৰাখিছে এই তথ্য আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে মটৰচাইকেলৰ চাবিটো আৰক্ষীক দিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এই তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যে মটৰচাইকেলখনৰ ভিতৰতে এই যি 9mm পিষ্টলটো আছিল সেই 9mm পিষ্টলটো পাইছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীৰ যি তথ্য আছিল সেই সময়ছোৱাত কৈছিল যে যি আমিৰ আলিয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰটো য'ত আছে সেই স্থান বা পাহাৰৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ ঘৰ সেইকাৰণে তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ ওপৰতে মটৰচাইকেলখন ৰাখে কেতিয়াবা চুৰি হোৱাৰ ভয়ত তেওঁলোকে সেই গুদাম ঘৰটো বা তেনেধৰণৰ স্থানত ৰাখে যাতে চুৰি নহয় বুলি পৰিয়াল লোকে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এই গোটেই ঘটনাটোত তেওঁলোক জড়িত আছিল CCTV ভিজুৱেলত তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিব পৰা গৈছে আৰু কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিন্তু সেই CCTV ভিজুৱেলটো বৰ্তমানলৈকে ৰাজহুৱা কৰা নাই আমি আৰক্ষী আয়ুক্তৰ লগত কথা পাতিছিলো যি DCP ইষ্ট আছে কথা পাতিছিলো তেওঁলোকে কৈছিল যে আমি CCTV ভিজুৱেলটো ৰাজহুৱা কৰিম আমি দেখুৱাম কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই CCTV ভিজুৱেল আৰু কোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা বৰ্তমানলৈকে কৰা নাই আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আৰু এই গোটেই বিষয়টোত এটা কথা স্পষ্ট যে এই গোটেই ঘটনাটোত এতিয়াও সন্দেহৰ থল আছে যে এনেধৰণৰ ঘটনাটো আমিৰ আলি আৰু চিন্তু মেধিয়ে কৰিছে নে নাই আৰু যদি কৰিছে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে আৰক্ষীক দুই অভিযুক্তই হ'ব পাৰে হয়তো বিপদে পৰিচালিত কৰিছে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল লোকে এই গোটেই ঘটনাৰ পিছতে তেওঁলোকে গোটেই পৰিকল্পনা কৰিছে যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে কথাসমূহ ক'ব কেনেধৰণে আৰক্ষী আৰু সংবাদ মাধ্যমক বিপদে পৰিচালিত কৰিব এই গোটেই বস্তুটো আৰক্ষীৰ তদন্তত উদঘাটন হ'ব আৰু এতিয়া আমি আৰক্ষীৰ তদন্তৰ বাবে আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছো আজি কেইবাদিন হ'ল 15-20 দিন হ'বৰ হ'ল এতিয়া কিন্তু এতিয়াও হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে তদন্ত চলাই আছে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ঋতিক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাক আৰু কেইবাটাও দিশৰ পৰাই বিষয় এই ঘটনাৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আৰক্ষীয়ে CCTV কেমেৰাৰ ভিজুৱেল এতিয়াও ৰাজহুৱা কৰা নাই সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে CCTV কেমেৰাৰ ভিজুৱেল চাই তেওঁলোকে এই তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিছে যে এই হত্যাকাণ্ডত চিন্তু মেধি আৰু আমিৰ আলিয়ে জড়িত হৈ আছে এই ৰহস্য কেনেদৰে উদঘাটন হয় সেয়া অতি লক্ষণীয় হ'ব খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছত সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে